मैं नेशनल गेम्स में डबल गोल्ड, उससे पहले नेशनल में गोल्ड हुई, सारा कुछ देख के मेरी फाइट वगैरह देख के एशियन गेम्स में मेरा नाम आया और मुझे यकीन था कि मेरे उसमें गोल्ड आना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे ताकि मैं इन्वेस्ट करती और मैं जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। मेरे पास एक रुपये तक नहीं था, पाकिस्तानी शायद कुल 50 रुपये होंगे, मेरे पास एक रुपये तक नहीं था। क्वेटा मूसा खेल का कबायली इलाका और पख्तून घराना, जहां लड़कियों की तालीम के बुनियादी हक पर भी कदगन होती है, वहां फखरुन्निसा ने कराटे जैसे खेल में कामयाबियों के झंडे गाड़ कर दिखाए। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आज गामजन में हम आपको दिखा रहे हैं हिम्मत और हौसले का निशान, फखरे पाकिस्तान, फखरुन्निसा के कामयाब सफर की दास्तान, जिसने कबायली समाज के तौक तोड़कर बतौर फाइटर अपने सफर का आगाज किया और कामयाबी से मनाजिल तय करती चली गई और आज बैनुल अक्वामी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रही है। मेरा नाम फखरुन्निसा है और मैं जो है बेसिकली मूसा खेल से ताल्लुक रखती हूँ और मैंने जो कराटे में जिस तरह मैं आई हूँ तो बहुत मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा कराटे में आते हुए, क्योंकि जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ मुसाफिर, वहाँ पे जो है लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी काफ़ी मतलब मुश्किलात के बाद परमिशन मिलती है या मिलती भी नहीं है। तो जब मैं क्वेटा में आई, यहाँ पर मैंने कराटे स्टार्ट किया, तो उसके लिए मुझे काफ़ी जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो ख़ानदान वाले हैं पठान, आपको पता ही है कि वो ज़्यादातर लड़कियों को इन गेम्स वगैरह में नहीं छोड़ते। तो जब मैंने गेम स्टार्ट की थी तो मेरे जो फैमिली वाले हैं, मतलब मेरे जो चाचा वगैरह हैं, तो उन्होंने काफ़ी कहा था कि लड़की है ये कैसे गेम करेगी, और मतलब लड़की के लिए ये गेम सही नहीं है, स्पेशली कराटे जैसी जो गेम है। लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले फखरुन्निसा के वालिद ने खानदानी रविश से हटकर अपनी बीवी और बेटियों को पढ़ने और मुलाजमत के मौके फराहम करने में भरपूर किरदार अदा किया। मेरे जो अबू हैं उनका काफ़ी हमें उनका भी सपोर्ट था, क्योंकि अबू अगर हमें ना बुलाते, यहाँ नहीं लेकर आते क्वेटा, तो हम शायद वहीं पे होते। और उन्होंने मेरी अम्मी को भी काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने एजुकेशन करवाई, अम्मी को पढ़ाया और अम्मी को आगे सपोर्ट किया और अम्मी ने हमें किया। तो अबू का भी हमें काफ़ी सपोर्ट था। जब मैं 7th class में पढ़ती थी तब मैंने कराटे स्टार्ट किए थे, तो जब मैंने हमारे स्कूल में आए थे कराटे, मतलब हमारे जो कोच हैं सराहम मोहम्मद मेंगल, तो वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कराटे के भी जो बच्चे जिनको शौक है, तो मुझे काफ़ी शौक था। तो मैं पहले तो हमारी मैथ की क्लास होती थी तो मुझे टेस्ट वगैरह में भी वैसे आ गई, बस मैंने कहा कि मैं जाके टेस्ट से बचने के लिए मैं कराटे में आई, कि मैंने जो है टेस्ट याद नहीं किया तो मैं चली जाती हूँ कराटे में। तो मैं जब आई वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे जिस तरह कर रही थी, मैं सबसे पीछे लास्ट में खड़ी होती थी। तो फिर हमारे जो एक कोच हैं उन्होंने मतलब हमें अच्छा कहा कि पीछे जो खड़े हैं वो ये ना सोचे कि हम उनको नहीं देख रहे, हम उनको भी देख रहे हैं। तो बच्चियों को मैंने जिस तरह देखा, बच्ची अच्छा कर रही हैं, तो मैंने फिर मुझे शौक पड़ा कि हाँ कराटे वाकई कोई अच्छी चीज़ है। फखरुन्निसा की 6 बहनें और 1 भाई है। वालदैन ने खानदान और इलाके की परवाह किए बगैर बेटियों को और बिलखसूस फखरुन्निसा को तालीम, तरबियत और स्पोर्ट्स में भरपूर सपोर्ट किया, जबकि कराटे कोच मेंगल साहब ने मुल्क की खातिर कराटे फाइटिंग को फखरुन्निसा की जिंदगी का मकसद बना दिया। मैंने स्कूल पे जब स्टार्ट किया था तो पहला टूर्नामेंट हुआ था, हमारा फेस्टिवल हुआ था जो हमारा 23 मार्च का फेस्टिवल होता है, उसमें मैंने पहले फेस्टिवल में ही मेरा गोल्ड आ गया था पहले टूर्नामेंट में। तो फिर मेरे कोच ने देखा कि लड़की मतलब माशाल्लाह से इसमें टैलेंट है और ये कर सकती है, तो उसके बाद मैंने अयूब स्टेडियम में आके क्लब स्टार्ट किया, ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं मतलब एक ही साल में पाकिस्तान टीम में चली गई। कराटे के मैदान में कदम रखते ही कामयाबियों ने फखरुन्निसा का खैर मकदम किया और तरक्की की मनाजिल तय होने लगी। फखरुन्निसा ने पहले ही मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करके साबित कर दिया कि वो इस फील्ड में कुछ बड़ा करने की सलाहियत रखती है। चाचू वगैरह जो थे घर वालों से, अबू वगैरह से बात करना उन्होंने मतलब ख़त्म बंद कर दिया था कि मतलब ये जा रही है, ऐसे नहीं होता, हमारे घर की इज्जत है, इस तरह। फिर उन्होंने थोड़ा सा बात वगैरह बंद कर लिया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मतलब वक्त गुजरता गया फिर उन्होंने देखा कि मतलब नहीं हो रहा। अभी फखरुन्निसा के कराटे कैरियर में आगाज ही हुआ था कि खानदान के मर्दों की तरफ से मुखालफत होने लगी, लेकिन वालदैन मुखालफत की परवाह किए बगैर फैसले पर कायम रहे तो मुखालफतें खानदानी बायकॉट में बदल गईं।
खानदान के मर्द जिन बातों को बुनियाद बनाकर रुकावटें हाइल कर रहे थे, उनके सामने फखरुन्निसा इतनी कमजोर न थी। उसे हर शख्स को उसकी हुदूद में रखना आता था। मैं जब मैं यूब स्टेडियम में जब गई सीखने के लिए, तो पहला हमारा टूर्नामेंट था हजारा टाउन में, तो उसमें जो है इंटरनेशनल प्लेयर थी, तो उसके साथ मेरी फाइट सोहेला, उसके साथ मेरी जो है फाइट स्टार्ट हो गई थी। तो जब उनके साथ जब मेरी फाइट हुई, तो मैं मतलब जीत वो गई, लेकिन मैंने उनके साथ बेस्ट फाइट की, अच्छी फाइट की। तो जिसके बाद जो पाकिस्तान टीम के कोच थे शाह मोहम्मद, तो उन्होंने देखा कि बच्ची में माशाल्लाह टैलेंट है, ये कर सकती है, तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान टीम के लिए ऑफर की, तो मैंने कहा ठीक है। तब उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम में गई। अब फखरुन्निसा का ख्वाब था कि वो कौमी टीम का हिस्सा बने, जिसके लिए वो शब रोज मेहनत कर रही थी। और वो वक्त भी आ गया जब पाकिस्तानी कराटे टीम में सिलेक्शन के लिए फखरुन्निसा का सामना एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से था। उन्हीं हजारों के साथ, उन्हीं लड़कियों के साथ जब मेरी फाइट होती थी, तो इतनी सारी लड़कियों में से मैं मतलब अपना मेडल लेकर आती, अपना गोल्ड ले लेती थी। मैं एक उन पे इतनी भारी थी कि वो सब कहते थे कि मतलब ये एक है तो इस तरह। उसके बाद मुझे देखते देखते बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी हमारे क्लब में 3-4 अभी जूनियर बची हैं, वो भी आके खेलने लगी हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह की हजारा की लड़कियाँ हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है। हमारी लड़कियों को हमेशा मतलब कि पीछे किया जाता है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। जबकि आप एजुकेशन करते हो, तब भी आपको पता है कि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों को जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। आप बहुत से लोग ऐसे अच्छे एजुकेशन करके भी ऐसे बैठे हुए हैं, और स्पोर्ट वाहिद वो चीज़ है जिसमें आप मेहनत करते हो और आपके टैलेंट पे आपको जो है जॉब मिलती है। अब जैसे कि मैं वापडा में हूँ और अच्छा खासा मतलब मैं अपने घर को भी चला रही हूँ, खुद भी अपना खर्चा कर रही हूँ एक लड़की होके, तो मैं सोचती हूँ कि अगर इसी तरह और लड़कियों को भी सपोर्ट किया जाए हमारी कम्युनिटी से, तो लड़कियां काफी अच्छा और अच्छा इम्प्रूव कर। फखरुन्निसा ने उस दिन के लिए भरपूर तैयारी की हुई थी और उस मुकाबले में फखरुन्निसा गैर मामूली कामयाबी से फतह याब हुई। मैंने इंटरनेशनल किए हैं, मैं सब फर्स्ट जो मेरा टूर था इंटरनेशनल का, इस्लामिक गेम्स जो 2022 में हुई है उसमें मैंने किया था, और उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत मैंने की और मुझे कोच की तरफ से सपोर्ट था। लेकिन ये था कि हमारे जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उन्हें कहा था कि लास्ट टाइम पे कहा था कि 3 लड़कियां और 3 लड़के जाएंगे कराटे में से, जो फिर लास्ट एक हफ्ता रह गया था, मेरी एंट्री भी चली गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 लड़कियां और 2 लड़के जाएंगे। तो जिनको मैंने हराया उन्होंने उनको सिलेक्ट किया, वो जा रही थी और मैं नहीं जा रही थी। बट फिर मैंने स्पॉन्सर के लिए अपील की, बट मुझे स्पॉन्सर कोई नहीं कर रहा था। फिर मैंने बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के जो है यहाँ पर मैंने अपील की, उन्होंने कहा कि आप पहले खुद खर्चा कर लें, फिर हम जो है मतलब आपको बाद में जब हमारे पास फंड आएगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। फखरुन्निसा का अगला हदफ इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेना था। इंटरनेशनल मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कौमी सतह से 3 फीमेल कराटे चैंपियंस की सिलेक्शन होनी थी, और जब वो वक्त आया तो खुशकिस्मती से फखरुन्निसा की सिलेक्शन हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ी आजमाइश सामने खड़ी थी। मेरिट पर सिलेक्शन के बावजूद बलूचिस्तान स्पोर्ट्स की जानिब से शर्त आयद कर दी गई कि फखरुन्निसा को इंटरनेशनल मुकाबले के तमाम तर अखराजात खुद उठाने होंगे, जबकि हुकूमत वापस आने के बाद अदायगी करेगी। घर वालों ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि आप जो है मतलब कि आप जाओ, आपने मेहनत की है। उधार लेकर मेरे घर वालों ने किसी तरह यहाँ वहाँ से करके कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी मेहनत की, हम आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे। तो जब मैं उस घर गई तो मतलब मैंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेला, और उसके बावजूद मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। जब मैं क्वार्टर फाइनल तक गई बाकी सब हारे। फखरुन्निसा के लिए ये हुकूमती रवैया शदीद तकलीफ दे था, लेकिन वालदैन ने फखरुन्निसा के हौसले को टूटने नहीं दिया और उधार लेकर बेटी को दयारे गैर भेजा। फखरुन्निसा ने मुल्क की लाज रखी और 2 मुकाबले जीत कर क्वार्टर फाइनल तक पहुँचने वाली तनहा पाकिस्तानी फाइटर बन गई। मैं वहीं पे एयरपोर्ट पे रोने लग गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब घर नहीं पहुंच पाऊंगी। आपको पता है एक लड़की जब अकेली होती है और फर्स्ट टाइम गई हो तो उसको कैसा फील होता है, और मेरे पास 1 रुपए तक नहीं था। पाकिस्तानी शायद कोई 50 रुपए होंगे, मेरे पास 1 रुपए तक नहीं था, और मैं एक दिन पूरा भूखा थी वहाँ पे, क्योंकि तुर्की से मेरा इस्तांबुल पे 8 घंटे का स्टे था, और मैं वहाँ पे जाके पहले थोड़ा सा लेटी, थोड़ा सा वो किया सारा कुछ, और मैं वहाँ पे जब बैठी रही ना तो मैं लोग वो देख रही हूँ, कोई ये चीज़ खा रहा है, कोई वो चीज़ खा रहा है, मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। फिर मैं उधर रेस्टोरेंट में जाके बैठी, एक औरत आई, उसने मुझे कहा कि आप मेरी चीज़ का ख्याल रखो खाने वगैरह का, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ।
मैं उसका देख रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊं, बट मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। मैंने कहा शायद वो खुद बोलेगी कि हाँ ले लो। फिर मैं फ्लाइट में बैठ के कराची आई, और उन दिनों बारिशें हो रही थी पाकिस्तान में, और काफ़ी मतलब ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से रास्ते भी बंद थे। और मैं कराची में आई थी, और कराची में मैं सुबह तकरीबन 4 बजे पहुंची, और मैं कराची एयरपोर्ट पे अकेली लड़की वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर बैठी हुई थी। और मैं जब बस पे बैठी तो बस वहाँ पे मैं 2 दिन बाद घर पहुंची, क्योंकि रास्ता ख़राब था। पूरी रात बस वहीं पे खड़ी रही रास्ते में, और सारे मर्द थे पूरी बस में, मैं एक लड़की थी वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो मुझे काफ़ी मतलब वो इरिटेशन हो रही थी कि सारे मर्द मैं एक लड़की हूँ और बस रुकी हुई है, और मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ खाने के लिए। मैंने सिर्फ घर से टिकट के पैसे मंगवाए थे। मैं घर वालों को नहीं बोल सकती मेरे पास पैसे नहीं है खाने के, कि आप मुझे खाने के लिए भी भेजो, क्योंकि घर वालों ने जितना सपोर्ट करना था वो उन्होंने मुझे किया, बट बाकी कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ पर किसी तरह करके अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पहुँची। जब घर में पहुँची तो घर वाले कहते हैं कि मतलब वो मुझसे जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, उनको पता था कि इसके मैं इसने मतलब बहुत कुछ देखा है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो पहचान लेते हैं। तो किसी तरह मैंने बस फिर जब घर पहुँची, मैंने शुक्र किया अल्लाह के, जैसे तैसे करके मैं पहुँच गई। तुर्की इस्तांबुल के सफर में फखरुन्निसा को बहुत सी सौबतों का सामना करना पड़ा, दयारे गैर, तन्हाई, खाली जेब और भूख। कराची पहुंचकर भी अपने ही मुल्क में बेगानगी ने मजीद तकलीफ दी। जैसे तैसे घर से मजीद कर्जा मंगवाया, लेकिन सिर्फ किराया ही मैसर आया। मर्दों की बस में तन्हा फखरुन्निसा का भूख से निढाल सफर उसे आज भी रुला देता है। फिर हमारा नौरोज गेम्स का हुआ, उसमें मुझसे पहले एक और लड़की सेलेक्ट थी। फिर उस लड़की के साथ हमारा अल्लाह की तरफ से, मैं बोलती हूँ कि ये हुआ कि पहले वो लड़की सेलेक्ट थी, उसके बाद जो है हमारा टूर्नामेंट हुआ, लीग हुई, आल बलूचिस्तान लीग हुई। इसमें मैंने उस लड़की को हराया, मैं गोल्ड हो गई, और लड़की मुझसे हार के सेकंड पे आ गई। तो जब मैं उससे जीत गई तो उसके बाद मतलब मेरे लिए मेरे कोच ने स्टैंड लिया, फिर मेरी फेडरेशन जो थी वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि चलो इसको लेके जाते, क्योंकि उसने उसको यहाँ पर हरा दिया। और मेरे इस्लामिक गेम्स में भी जो अच्छी परफॉर्मेंस थी उसके बना पर मुझे लेके गए। फिर वहाँ पे जाके मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और वहाँ पे वहाँ से जब हम वापसी पर बाय रोड आए तो हम लड़कियाँ थी, वो कहते हैं ना कि जब हम पाकिस्तान में इंटर हुए तो वो ठेले वाली गाड़ी जो होती है सामान थी वहीं पे था, और हम लड़कियाँ भी उसके ऊपर थी, उधर ही थे। तो हम जब आ रहे थे वहाँ पे जो लोग थे मतलब सारे, तो वो हमें ऐसे देख रहे हैं। हमने कहा वाकई इस्तकबाल हुआ है हमारा पाकिस्तान में आने का। फिर मेरा सारा परफॉर्म देख के, फिर मैं नेशनल गेम्स में डबल गोल्ड हुई, उससे पहले नेशनल में गोल्ड हुई, तो सारा कुछ देख के, मेरी फाइट वगैरह देख के, उसके बाद इस बार जाके मेरा एशियन गेम्स में मेरा नाम आया, और इसमें भी मैं क्वार्टर फाइनल तक गई, मैंने अच्छा खेला। रिसेंटली 2 दिन पहले हमारी टीम की लड़कियाँ गई हैं नेपाल, और उसमें भी हमें कहा गया है कि आप अपने तरफ से पैसे दें 3.5 लाख रुपये, तब जाके आप जाओगे, वरना नहीं जा सकते, अपने खर्चे पे जाना है। सो बस मैं नहीं गई, मेरा रह गया मुझसे ये टूर, जबकि इस ये साउथ एशियन थी जो मैंने गेम्स खेली, वो सारी एशिया लेवल की थी, उसमें वर्ल्ड के प्लेयर्स आए थे, उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी अचीवमेंट थी। बट ये जो साउथ एशियन थे ये मेरे लिए ऐसा था कि मैं इसमें पक्का मेरा गोल्ड आना था, मुझे यकीन था कि मेरा इसमें गोल्ड आना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे ताकि मैं इन्वेस्ट करती और मैं जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती। फखरुन्निसा सामने आने वाली हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करना सीख चुकी थी। उसने ऑल पाकिस्तान लीग में मुंतखब होकर ईरान नौरोज गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और चाइना ओंजू में एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुँचने में भी कामयाबी हासिल की। वो फतह पर फतह हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर रही थी। फखरुन्निसा एक तरफ फाइटिंग में अपने हरीफ से मद्दे मुकाबिल होती तो दूसरी जानिब उसे माली दुश्वारियों से भी डट कर मुकाबला करना पड़ रहा था। बैनुल अक्वामी मुकाबलों के सफरी अखराजात और सफरी दुश्वारियां हुकूमती सरपरस्ती और तावुन से आसान हो सकती थी। अब जबकि साउथ एशियन टूर्नामेंट में वो गोल्ड मेडल हासिल करने की यकीनी पोजीशन में है, तो उसे एक बार फिर ये हुकूमती इंदिया मिल गया है कि पहले तमाम तर अखराजात खुद उठाएं, फिर हुकूमत अदायगी करेगी। एक बासलाहियत और मुंतखब कराटे चैंपियन फखरुन्निसा को बैनुल अक्वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए हुकूमती अदम सरपरस्ती की वजह से जो कुछ झेलना पड़ रहा है, ऐसी नागुफ्ता बेसूरत हाल शायद दुनिया में कहीं और सुनने में नहीं आ सकती। जिस तरह हम एथलीट्स होते हैं, हमें बाद में मतलब इतना हम मेहनत करते हैं दिन रात एक करके, हमारे जिस्म में दर्द होता है, हम फिर भी आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन स्किप नहीं करते अपनी ट्रेनिंग,
उसके बावजूद जो है आप लास्ट में आके आप किसी का दिल तोड़ते हो, आप उसको नहीं लेकर जाते और बाद में बोलते हो कि अपने पैसे से आप जाओ और कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं करते। तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर करें, और लड़कियों को मैं ये कहूँगी नहीं नहीं भी तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे लाजमी सीखें। फखरुन्निसा की कामयाबियों ने उसका सारा मंजरनामा बदल दिया है। जिन अजीज़ो अक़रबा ने फखरुन्निसा के स्पोर्ट्स में शमूलियत पर एतराज किया था, उनके रवैये में मुस्बित तब्दीली आ चुकी है। दुनिया में अक्सर लोग ख्वाब तो देखते हैं लेकिन अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते। अगर अज़्म इरादे और यकीन व इस्तेकामत के साथ सफर जारी रखा जाए तो कामयाबी की मंजिल करीब आ जाती है। फखरुन्निसा ने मुश्किल गुजार सफर तय करके ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि मौशरे की दूसरी खवातीन भी उस राह पर चलकर किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल कर सकती हैं।